सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी की खुशी की वजह बनो, दर्द देने के लिए तो पूरा जमाना है। चाहत गलत नहीं लेकिन चाहकर छोड़ देना गलत है। दिल बड़ा रखो, दुनिया बहुत छोटी है। जरूरी नहीं कि जो चुप है वो गलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जोड़ी सबके लिए बनाई है मैंने, कभी किसी के सामने भीख मत मांगना। आज का पंचांग 2 अक्टूबर 2022 दिन रविवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम 6:46 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 1:52 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:41 से 6:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:52 से 12:39 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। आप सभी को नवरात्रि की 7वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माँ काल रात्रि की पूजा करें। वृश्चिक राशि 2 अक्टूबर 2022 दिन रविवार, अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त कर दें लेकिन आवाज को नीची रखें। पुरानी बातों में उलझे रहने के स्थान पर बदलाव के लिए जो कुछ जरूरी है उस पर फोकस करें। इस समय बेहतर यही होगा कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ विवादों में पड़ने की बजाय विवादों से दूर ही रहें। इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो तुरंत फैसला लें, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेने के अनुकूल परिणाम ही मिलते हैं। किसी संतान की भी इनकम समय से होने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। अध्यात्म और धर्म कर्म के कार्यों में भी ध्यान रहेगा। नए काम की शुरुआत करते समय चुनिंदा लोगों के साथ ही चर्चा करें। बात जब तक स्पष्ट नहीं होती तब तक बड़े निर्णय को लेने से बचें। अभी का समय आपको प्रगति देने वाला है, लेकिन पुरानी बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य से जुड़ी योजना बनाने की कोशिश करें। लेखन से जुड़े लोगों को बड़े अवसर प्राप्त होंगे, इस कारण प्रसिद्धि और पैसा आसानी से मिलेगा। पार्टनर एक दूसरे के लिए व्यवहार सुधारने की कोशिश करें। पाइल्स की तकलीफ होने की संभावना बन रही है। सावधानियां, अपने व्यक्तिगत कार्यों के बीच यह ध्यान रखना जरूरी है कि घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा सुषमा संबंधित अवहेलना ना करें। मामा पक्ष से संबंध खराब ना होने दें। आपसे संबंधों के बीच ईगो जैसी स्थिति ना आने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच पारिवारिक व्यवस्था को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं, परंतु उनके भावनात्मक संबंधों में कटुता नहीं आएगी। बहुत सारे प्रेमियों में से छाटकर किसी एक को चुनने की कोशिश में अधिक समय व्यर्थ ना करें। आपका व्यक्तित्व आकर्षक है, लेकिन इस समय आपकी किस्मत के साथ ना देने के कारण आपका जादू काम नहीं कर रहा। जब आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। बात करते हैं करियर की। आज काफी सारी बातें आपके ध्यान देने योग्य होगी, जिसे आपका सब पर ध्यान लगाना मुश्किल होगा। ज्यादा तनाव ना पालने बैठकर शांति से निर्णय के बारे में सोचें और उसके अनुसार कार्य करें। आज आप एक पुराने दोस्त से मिल सकती हैं। कोई जानकार आपके सामने एक दिलचस्प प्रस्ताव रख सकता है जिसको जानकर आप ललायित हो सकते हैं, परंतु सोच समझकर निर्णय लें। कार्य क्षेत्र में मेहनत ज्यादा रहेगी, उनका शुभ फल भी शीघ्र ही धन के रूप में मिलने वाला है। आज अधिकतर समय घर से बाहर की गतिविधियों को पूरा करने में व्यतीत होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम में ध्यान ना दें। बात करती हैं सेहत की। आज का सारा दिन बदलाव के नाम रहेगा।
आप किसी ऐसे आदमी के संपर्क में आ सकते हैं जो या तो आपके जीवन में बदलाव का कारण बनेगा या ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएगा जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे। हालांकि सभी तरह के परिवर्तन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। किसी बदलाव को लागू करने से पहले या तय करने की या लंबे समय से आपके लिए अच्छे परिणाम दे पाएगा या नहीं। आज का उपाय, आज अब गरीबों को दान पुण्य करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।